इस मशीन का रेट एकदम सस्ता हो गया है, हमारे थ्रू आपको एकदम सही रेट से दिलवा देंगे। कमेंट में बार बार आ रहा है कि एक सैंपल पर कितना रुपया खर्चा लगता है, तो हम अगर कमेंट आप कर रहे हैं तो सीधा आप हमारे व्हाट्सएप कमेंट करिए, आपको तुरंत बता देंगे। और वैसे आपको बता दे रहे हैं इस केमिकल का जो है कि 2800 मात्रा है, अंदर जो है उसका 9000 है, ठीक है ना, लाइज है। और जो मशीन जो है 2,60,000 की मात्रा आपको कैश दिलवा देंगे और 2 साल की वारंटी इसके साथ, 2 आपको डायमंड दिलवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप डीमेल्टी कर रहे हैं या बीमेल्टी कर रहे हैं या एमएल्टी कर रहे हैं तो आप आया करने वाले हैं या आप कर चुके हैं, आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या हॉस्पिटल के अंदर आप जो है कि लैब खोलना चाहते हैं तो दोस्तों, या किसी या कहीं आउट एरिया मार्केट में जो है कि आप पैथोलॉजी खोलना चाहते हैं क्लिनिक के बगल में, ठीक है ना, तो आप लोगों को यह वीडियो बनाया गया है। देखिए मशीन लेने से पहले आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और एक और चीज़ है सैंपलिंग का अनुभव होना चाहिए कि आपके लैब में कितना पर सैंपल पर डे आ रहा है सैंपल, ठीक है ना, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लैब खोल सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, देखिए आप अगर कहीं लैब पैथोलॉजी खोल रहे हैं तो आप अगल बगल पहले छानबीन कर लीजिए कि ये लैब में कितना मतलब सैंपल आ रहा है और इस लैब में कितना आ रहा है और कौन कौन जात ज़्यादातर हो रही है, और इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए एक और चीज़ बता रहे हैं, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी मतलब संस्था के बीच में हॉस्पिटल के बीच में अगल बगल में है तो उसको आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा डेली वहाँ पर सरकारी मरीज आते हैं और सरकारी जाँच भी कराते हैं, तो आप लोगों का उसमें नो चांस रहता है, ठीक ना। आप कहीं क्लिनिक पर प्राइवेट क्लिनिक पर बात करिए और उसके अगल बगल में जो है जाँच वोच करने के बारे में सोचिए और पैथोलॉजी खोलने के बारे में सोचिएगा, ठीक ना। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।